वो देखिए केला, वो केला जो है उसमें आयरन और पोटासियम दोनों चीज रहती है, इसलिए गर्भवती केला तो सभी को खाना चाहिए, लेकिन गर्भवती और धात्री को जरूर भी है। अनार का भी पौधा लगाई है? हाँ दीदी, अनार को खाने से, अनार इसलिए हम लगाए हैं कि सभी दीदी अपने अपने घर आंगन में लगाए और सभी आदमी को अनार खाने के लिए मिल जाए और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तब तो दीदी अनार स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ दीदी, हम तो सोचे अपना इस धरती पर यहाँ नहीं होगा अनार, लेकिन देखते हैं दीदी को तो बहुत अच्छा लगा हुआ है, अब हम भी अपने घर पर अनार लगाएंगे। दीदी अनार के बगल में ये अमरूद का भी पेड़ लगाए हैं? हाँ दीदी, ये तो पेट के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। इसमें तो दीदी विटामिन सी की मात्रा रहती है और आयरन भी पाया जाता है, ये गर्भवती और धात्री दीदी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा दीदी, हमारे घर में भी अमदूर का पौधा है, मेरे शरीर में आयरन की कमी है, तो अमदूर खाएंगे तो उससे भी आयरन पूर्ति हो जाएगा। हाँ दीदी, तो मक्का भी लगाए हैं? हाँ दीदी, मक्का बहुत ही अच्छा चीज है, इसमें विटामिन पाया जाता है और कभी कभी सेंटर पर जो है गेहूँ और मक्का का आटा मिला के रोटी बनता है। सेंटर के बगल में नींबू का भी पौधा लगाए हैं? हाँ दीदी, इसमें विटामिन सी पाया जाता है और जितने भी फल हैं उसके 4 गुना अधिक इसमें विटामिन पाया जाता है। तो हम भी अपने अपने घर में लगाएंगे। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, दीदी आपने जो सुबह से इन किचन गार्डन के बारे में बताए। ठीक है दीदी, सुबह से आपने समय दिए और इतना चीज़ सीखे, और आप अपने अपने वहाँ घर पे जाके सभी दीदी को बताइए कि अपने अपने घर आंगन में किचन गार्डन लगाए और साग सब्जी और फल का लाभ लें।